खबर नदबई से। नदबई नगर पालिका के प्रतिनिधि मंडल ने पालिका अध्यक्ष हरवती सिंसिनवार के नेतृत्व में नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिव दयाल गोयल व व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सतीश चंद्र गर्ग सहित क्षेत्र के लोगों ने भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रसन्न कुमार खमसेरा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उमाकांत चिल्दर एवं राजन सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कटरा बाजार नदबई स्थित संस्कार साड़ी एम्पोरियम की दुकान लॉकडाउन के दौरान खुली थी। गाइडलाइन की अवहेलना करने पर उपकरण अधिकारी हेमराज गुर्जर ने दुकान को सीज कर दिया था। इसके बावजूद साड़ी शोरूम को पिछले गेट से खोलकर बिक्री की जा रही थी। सूचना पर नगरपालिका की टीम दोबारा जब दुकान पर पहुंची तो साड़ी शोरूम के मॉल की मालिक उमाकांत जिंदल ने नगरपालिका स्टाफ से गाली गलौज और धक्का मुक्की की, जिसके बाद कस्बे के स्थानीय नागरिकों और पार्षदों में मामले को शांत करा दिया था। उसके बाद कोई भी कर्मचारी शोरूम पर नहीं गया और न ही किसी भी कर्मचारी द्वारा उमाकांत जिंदल को धमकाया गया। इसके बावजूद 30 जून 2021 को उमाकांत जिंदल ने सोशल मीडिया पर पार्षद मनोज कुमार के भाई राज सिंह के जरिए फर्जी वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर डाला था। वीडियो को अन्य ग्रुप में भेजने से पहले कुछ अनर्गल डिमांड की गई, जिस पर सहायक अभियंता पप्पू सिंह ने पुलिस थाना नदबई में उमाकांत एवं राजन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। नगरपालिका नदबई में बीजेपी के 16 पार्षदों ने निर्माण कार्यों को करवाने एवं मीडिया के लोगों को विज्ञापनों के लिए दबाव बनाने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं। अधिकारियों कर्मचारियों व पालिका पुत्र पर दबाव बनाकर पैसे वसूलने के झूठे आरोप लगाए हैं, जो कि पूरी तरह से निराधार है। वार्ड पार्षद का भाई राजन आपराधिक प्रवृत्ति का है व्यक्ति है, इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान अशोक उपाध्याय, अनिल साठी, संजय उपाध्याय, अरब सिंह सिंसिवार, कुंवर सिंह नंबरदार, प्रशांत उपाध्याय, संजय रौतवार सहित सभी पार्षदगण मौजूद रहे। गलत आरोप लगाए कि हमें धमकी दी गई है, पैसे मांगे जो मनगढ़ंत है। मेरे बेटा को ये किया कि हमें फोन करके बुलाया गया है, इसमें मेरे बेटा का कोई हाथ नहीं था, नहीं उनका था, वो विपक्षी है, वो उनको जबरदस्ती इस मोड़ पे लाए, लाके खड़ा कर दिया है, मोड़ बनाए कांग्रेस का जमीन से पीछे पड़े हुए हैं। ई मैटर है और कुछ कोई बात नहीं। किन्होंने लगाए थे आरोप? विपक्षियों ने लगाए, वो उनके साथ मिल गए, सेठ के साथ मुद्दा मिल गया उनको, 1.5 महीने की कोई बात होगी, दुकान सील हुई थी, उसके बाद आप उनको मोहरा बनाए आरोप लगा दिए। विपक्षी लोगों ने इसका मोहरा बना के उनको मुद्दा मिल गया। क्या नाम है आपका? हरवती सिंह। आपका नाम? मेरा हरवती सिंह।